हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन बी कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम 22 सितंबर 2020 को जो हुआ था क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 21 जो उसमें आपको शो करना है सेक्शन बी का 21 नंबर क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स दे दिया है, वेरीफाई करना। पहला क्वेश्चन था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे दोनों का डिफरेंस एस क्यू सिमेट्रिक होगा। पहले क्या है, जैसे किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए अगर फिर से वही मैट्रिक्स आ गया तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक। और ट्रांसपोज किए माइनस आर लग गया तो ये हो गया एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दे दिया है, एक ए दे दिया, ये 1 5 6, इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज कीजिएगा जो होगा कॉलम, जैसे ये रो है तो इसको कॉलम में कन्वर्ट करिए, ये रो है तो इसको कॉलम। अब एक बार करा है दोनों का सम, तो दोनों का सम करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर होता है 2 11 11 40। अब क्या करें, अब ये मैट्रिक्स आ गया, इसका ट्रांसपोज करते हैं। जैसे ए प्लस ए, ये पूरे का ट्रांसपोज करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 11, और ये यहाँ, तो फिर से जो है यही दे गया। मतलब हमने इस मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज किए तो ये जो है ये फिर से यही दे गया। ठीक है, इसीलिए हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड में डिफरेंस दे दिया तो घटा के 0 हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो 0 आ गया, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 आ गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आ गया, फिर ये 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो आपको जो है 0 -1 1 0। अब क्या कीजिए, इसमें से -12 कॉमन ले लीजिए तो ये 0 हो जाएगा, ये -1, ये +1 और ये 0, तो ये जो है ये बन गया क्योंकि ये दिया हुआ है। तो देखिए, जैसे ट्रांसपोज किए वैसे -12 लग गया, माइनस लग के और ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमको इसके बराबर है, तो ट्रांसपोज किए तो माइनस आ गया, इसीलिए एस क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट 22 क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व एक्स टी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वाई बाई एक्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है कि पुट वाई इज टू वी एक्स, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ वी एक्स पुट करेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज टू वी का छोड़ेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स का करेंगे, एक्स छूटेगा तो वी का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स। तो जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ वहाँ पुट करेंगे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स को क्या पुट करेंगे, वाई बाई एक्स यहाँ से आ जाएगा वी माइनस कॉस स्क्वायर वी, ये कैंसिल आउट, अब एक्स डी वी बाई डी एक्स आ गया। तो काटने के बाद इतना आ गया, उसके बाद डी वी बाई कॉस स्क्वायर के साथ एक्स को पार्टी को अलग कर दिया। यहाँ पर क्या करना है, डी वी जो है ये बन गया सेक स्क्वायर वी इंटू डी वी बराबर डी एक्स बाई एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है। तो इसका इंटीग्रेट जो होगा टेन वी इजकल्स टू लॉग एक्स प्लस सी, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और जहाँ जहाँ भी हो वहाँ वाई बाई एक्स पुट करना है।
तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया।